अगर आप भी कोई ऐसी रेमेडी की तलाश में हैं, जिसको इस्तेमाल करके आप अपने बालों को नेचुरल तरीके से हेल्दी बनाना चाहते हैं, बालों का झड़ना बंद करना चाहते हैं, हेयर रीग्रोथ चाहते हैं, तो यकीन माने आज का DIY आपके लिए बेस्ट होगा। सिंपल सा हेयर टॉनिक बनाना बताऊंगी। यकीन माने इसे इस्तेमाल करके मैंने अपने बालों का झड़ना बंद किया है और ये आपके किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाता है और आप हैरान रह जाएंगे ये सिंपल सा चीज हमारे बालों के लिए इतना कर सकता है। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना है प्याज के छिलके, जो कि प्याज इस्तेमाल करने के बाद आप फेंक देते हैं इसे बेकार समझ के। यकीन मानिए जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि आपके बालों के लिए क्या मैजिक कर सकता है। इसे अच्छे से धोने के बाद ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद कोई भी बर्तन ले लीजिए, इसमें आपको डालना है अनियन पील। इसी के साथ आपको यहाँ पे 4 से 5 लौंग लेना है। अब इसमें लेना है फिल्टर वाटर और इसे अच्छी तरह से बॉईल करना है बिल्कुल धीमी आंच में 10 मिनट के लिए। ये जो हमने पानी डाला है ना, जितना पानी आप डालेंगे उसका आधा करना है। ये देखिए पानी का कलर बिल्कुल लाल हो चुका है, इससे साफ पता लग जाएगा इसका जो भी प्रॉपर्टीज है ना सारे पानी में आ चुका है। ये ठंडा होने के बाद इसका पानी में स्ट्रेन कर लूंगी। अब इसी पानी में आपको यहाँ पे लेना है टी ट्री ऑयल। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। आप इस पानी को हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो जब भी आपको हेयर वॉश करना है तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 घंटा के लिए बालों में रहने देंगे, उसके बाद ही शैम्पू करेंगे। 1 घंटा के लिए बालों में रहने देंगे, उसके बाद शैम्पू कर लेंगे। हो सके तो केमिकल फ्री शैम्पू का इस्तेमाल करिए। कुछ ही दिनों में आपके बाल बहुत ही हेल्दी दिखेंगे, आपके बाल ठीक होंगे, हेयर रीग्रोथ होगा। एक अच्छा और हेल्दी बालों के लिए केयर करना बहुत ही जरूरी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपके लिए DIY काफी हेल्पफुल रहेगा और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिए। इस तरह के हेल्पफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।